हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर टाइटल्स एंड क्रेडिट्स, कैसे हम टाइटल्स सब टाइटल्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्रेडिट्स ऐड करते हैं अपने वीडियो में, ये मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने मूवी टास्क पैन में जाएं। यहाँ पे देखें एडिट मूवी, इसके ठीक नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेक टाइटल्स और क्रेडिट्स लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वेयर डू यू वांट टू ऐड अ टाइटल, आप कहाँ पे टाइटल ऐड करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, जब स्टार्टिंग बिगनिंग में जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, जो मूवी हम क्रिएट करते हैं, उसका एक नाम होता है कि किस टाइप का वीडियो है, वीडियो का नाम क्या है, मूवी का नाम क्या है। तो यहाँ पे टाइटल एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में अगर टाइटल देना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। टाइटल बिफोर द सिलेक्टेड क्लिप, अगर कोई टाइटल है सिलेक्ट क्लिप को सिलेक्ट करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। टाइटल ऑन द सिलेक्टेड क्लिप, उसके ऊपर अगर वीडियो के ऊपर अगर आपको टाइटल देना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करें। टाइटल आफ्टर द सिलेक्टेड क्लिप, वीडियो का फुटेज जो रहेगा उसका अगर उसके पीछे देना है तो ये हम लोग ऐड कर सकते हैं, आफ्टर मतलब बाद में। उसके बाद क्रेडिट्स एट द एंड, जैसे फिनिशिंग में द एंड अगर लिखना है तो हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल एट द बिगनिंग, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस पर आप क्लिक करें टाइटल एट द बिगनिंग पे। करने के बाद यहाँ पे देखें इंटर टेक्स्ट फॉर टाइटल यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद देखेंगे क्लिक डन टू ऐड द टाइटल टू द मूवी। अब यहाँ पे हम इस जो वीडियो फुटेज है मेरा उसका एक नाम होना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक दे दिया अ विलेज, VILLAGE विलेज, एक नाम दिया अ विलेज। देने के बाद अगर सपोज आप इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप मॉनिटर पे मेरा दिखाई दे रहा है विलेज, यहाँ पे आप देख इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा चेंज, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, मोर ऑप्शन, चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट एंड कलर, इस पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे देखें कलर, ये ए नुमा जो साइन लिखा है, चेंज द टेक्स्ट कलर, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दें। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया कलर, आप चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये मैं ये कलर चूज़ किया, उसके बाद ओके। ये देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, फिर से मैं दिखाता हूँ, फिर मैंने क्लिक किया ओके, ये देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया, प्लस ये टाइटल का कलर चेंज हो गया। आप यहाँ से फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप यहाँ बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद अब एनिमेट करेंगे उसे, तो यहाँ पे देखें चेंज द टाइटल एनिमेशन, इस पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे देखें नेम एंड डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का आपको इफेक्ट देना है, यहाँ पे देख सकते हैं फेड है, मिरर है, स्क्रोल बैनर है, टाइटल्स टू लाइन है, यहाँ पे आप इस तरह कोई सा भी क्रिएट्स में अगर ये देना है, जूम इन देना है तो इस तरह जूम इन होगा, देख सकते हैं मैंने दे दिया। देने के बाद फाइनली क्या करेंगे हम, डन एड टाइटल टू मूवी, इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे ये अपना टाइमलाइन विंडो में अगर आएंगे तो यहाँ पे देखें वीडियो वीडियो ट्रैक में ये देखें विलेज, यहाँ पे मेरा ये टाइटल और प्लस एनिमेट हो गया। अब इसे प्ले करके हम देखते हैं कैसा लगेगा, इसे मैंने प्ले किया, ये आप देख सकते हैं, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको अगेन, ये मैंने प्ले किया, ये देखिए नेम आ गया विलेज। उसके बाद प्ले करने के बाद ये देख सकते हैं आप एक विलेज का सीन है। उसके बाद सपोज आपको एंड में देना है तो कैसे देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम फिर से यहाँ पे जाएंगे एडिट मूवी, यहाँ पे देखें मेक टाइटल्स और क्रेडिट्स, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे सबसे एंडिंग वाला में देखें क्रेडिट्स एट द एंड, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे मैं लिख दिया थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिखने के बाद ये मैंने लिखा थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका भी हमें अगर इसका फॉन्ट अगर चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, एनिमेट करना है तो नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद देखेंगे नीचे एक ऑप्शन है चेंज द टाइटल एनिमेशन, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे फेड इन या ये वाला चूज़ करें। ये देखिए थैंक्स फॉर स्क्रोल अप साइड बाई साइड, यह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे मैंने स्क्रोल किया, यहाँ पर डन एड टाइटल टू मूवी, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ वीडियो ट्रैक में जाएंगे टाइमलाइन विंडो में, तो स्टार्टिंग में विलेज दिया, एंडिंग में मैं
मैंने ये फुटेज दिया, अब इसे मैं प्ले करता हूँ ज़रा। ये मैंने प्ले किया, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से अगेन देखें एक बार। ये देखें, यह स्टार्टिंग का विलेज सीन है, अब विलेज है। अब वीडियो के एंडिंग में अगर देखेंगे, ये देखिए एंडिंग में मैंने इसे प्ले किया, ये मैंने प्ले किया, ये देखिए मैं वीडियो ख़त्म हो गया। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह हम लोग टाइटल्स एंड क्रेडिट्स ऐड करते हैं अपने वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सपोज़ अगर वीडियो के ऊपर अगर देना है, ये वीडियो फुटेज है, इसके ऊपर अगर कोई आपको टाइटल ऐड करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, वीडियो फुटेज को, ये फुटेज को सिलेक्ट करें, एडिट मूवी में जाएं, यहाँ मेक टाइटल और क्रेडिट्स, इस पर क्लिक करें। उसके बाद टाइटल बिफोर द सिलेक्टेड क्लिप ना करके टाइटल ऑन द सिलेक्टेड क्लिप, इस पर क्लिक करें। और उसके बाद लिख दें बाय गौतम, लिख दिया मैंने। उसके बाद इसे भी हमें एनिमेट करना होगा, तो यहाँ से आप चेंज दिस टाइटल एनिमेशन, इस पर क्लिक करें। फ्लाई इन ये कर सकता हूँ, मूवी ये देखिए इस तरह होगा, फ्लाई इन एंड आउट ऐसे। इसको मैंने करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद डन ऐड टाइटल टू मूवी, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। और ठीक नीचे आएंगे, ये जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा टाइमलाइन विंडो है। यहाँ पे देखिए वीडियो ट्रैक है, ट्रांजिशन है, ऑडियो है, ऑडियो एंड म्यूजिक है, टाइटल ओवरले, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसे मैं प्ले करता हूँ ज़रा वीडियो को, उसके बाद आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो टाइटल ओवरले इसके ऊपर जो आया हुआ है वीडियो, इसे ये जो टाइटल आया इसे मैं ड्रैग करके ज़रा लंबा ड्रैग कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, ये आप देख सकते हैं मैंने ड्रैग कर दिया है। अब इसे मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए बहुत देर तक इस तरह हम उसे रख सकते हैं टाइटल को, या कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम विंडो मूवी मेकर के अंदर टाइटल ऐड करते हैं, क्रेडिट्स, सब टाइटल हम लोग ऐड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।